हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूलाज और पढ़ने हैं। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है? साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। फिर साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। फिर कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। लास्ट कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। बेटा इस फॉर्मूले पे जरा ध्यान फरमाना, कॉस ए माइनस कॉस बी में क्या है? माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन 11 कैसे होगा? कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इसको सॉल्व करना है, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर क्यों ना आप इस पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और इस वाले पे कॉस ए माइनस बी का। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन उससे हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो थोड़ा लेंदी होगा और उसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। कैसे? मैंने जो भी फॉर्मूला पढ़ा उसका यूज करूंगा। कौन सा? कॉस ए, ये हो गया ए माइनस कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है? माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। लगा दो इस पर फॉर्मूला, माइनस 2 साइन ए प्लस बी, ए क्या है? 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। आई रिपीट, ए क्या है? ए ये मेरा पूरा एंगल है, ए प्लस बी यानी 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इन टू साइन ए माइनस बी, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट, ध्यान से इस बात को नोटिस करना, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। मैंने ऐसा क्यों बोला है? अक्सर बच्चों का कॉमन एरर्स होता है कि 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स ऐसे लिख देते हो, तो ये एरर आप ना करें। अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन, एक्स सिक्स कैंसिल, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 यानी हो गया 6 पाई बाई 4 अपॉन 2। इसको करो साइन, ब्रैकेट्स ओपन, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। फायदा, ये कैंसिल हो गया, अब ये वाली टर्म रेसिप्रोकल, मतलब कैसे समझते हैं? आपको पता है a बाई बी अगर उसको मैं c से डिवाइड करूं तो ये मेरा बनता है a बाई बी इंटू 1 बाई सी, तो सेम यहां पर भी होगा, माइनस 2 साइन 6 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 3 पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन
टू एक्स बाय टू माइनस टू साइन थ्री पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स, अब सॉल्व कर दूंगा। थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू निकालनी हमने सीखी थी, कैसे निकालते थे मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। पहले वैल्यू साइन थ्री पाई बाय फोर क्या करूँगा, फोर की टेबल में देखूंगा थ्री के सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है, कैसे फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर, अब सेपरेट साइन साइन फोर पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, कौन सा क्वाड्रेंट साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव यानी साइन पाई बाय फोर रूट टू। तो अब इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, रूट टू, देखो माइनस टू इंटू वन बाय रूट टू साइन एक्स। अब टू को ब्रेक करके लिखते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अगर कभी एक्स अपॉन में रूट एक्स है तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मीन्स रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स, तो कैंसल होके रूट एक्स बचता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है, माइनस रूट टू साइन एक्स हो गया आर एच एस, हेंस प्रूफ। आगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस टू एक्स अपॉन में दिस, बट एक सिंपल टेक्निक है, जब हमारी तीन टर्म्स हो तो क्या करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा उसको पिक कर लेना है, यानी मैं पिक करूंगा कॉस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स इनको एक साथ और कॉस थ्री एक्स को अलग, सेम नीचे साइन फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इसको माई बैड साइन फोर एक्स साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अलग। अब ऐसा क्यों, इससे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ऊपर बन रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू एंड कॉस ए माइनस बी बाय टू, फिर साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू लगा दो, टू कॉस ए प्लस बी फोर एक्स और टू एक्स सिक्स एक्स, सिक्स एक्स बाय टू थ्री एक्स, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, फोर एक्स प्लस टू एक्स अपॉन टू इंटू कॉस फोर एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस कॉस थ्री एक्स होल अपॉन में टू साइन फोर एक्स प्लस टू एक्स अपॉन में टू इंटू कॉस फोर एक्स माइनस टू एक्स अपॉन में टू प्लस साइन थ्री एक्स। करो सॉल्व क्या बनेगा, टू कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन में टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। अब यहां से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, कॉस थ्री एक्स क्या बचा, टू कॉस एक्स प्लस वन, नीचे से कॉमन साइन थ्री एक्स, क्या बचेगा, एक बच गया टू और एक कॉस एक्स, टू कॉस एक्स प्लस वन, नोटिस करो पूरे ब्रैकेट सेम है तो कैंसल आउट, कॉस बाय साइन बनता है मेरा कॉट, बचपन में पढ़ा हुआ है कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
ये होता है cot थीटा. तो सेम ये भी क्या हो जाएगा, cot 3x इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूफ. आओ एक क्वेश्चन 15 और भी देखते हैं. अच्छा इससे पहले स्टार्ट करूं, क्वेश्चन 15 के करने के 2 से 3 तरीके हैं. मैं अभी एक करा रहा हूं, आपको एक मेथड कराऊंगा मिसलेनियस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको मैं पहले इजीएस्ट वे से करा रहा हूं, उसके बाद इसको कॉम्प्लिकेट वे से कराऊंगा जो अक्सर टीचर प्रेफर करते हैं, कुछ स्कूल के टीचर्स, नॉट एवरीवन. तो क्वेश्चन 15 क्या है, कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू दिस. LHS लो, cot 4x sin 5x plus sin 3x लगा दो इस पे. इस पे अप्लाई होगा sin a plus sin b. क्या होता है मेरा 2 sin a plus b by 2 into sin into cos a minus b by 2 cot 4x 2 sin 5 plus 3. अब डायरेक्ट करेंगे 5 plus 3 8, 8 by 2 4x a minus b 5 minus 3 2, 2 by 2 x cos x. इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं cot को लिख सकता हूँ cos by sin. देखो can I write cos 4x by sin 4x into 2 sin 4x into cos x. Cancel, cancel. तो क्या हो गया 2 cos 4x into cos x. अभी इससे सॉल्व नहीं हो रहा ना, वैसे आगे होगा बट अभी की बात कर रहे हैं, अभी इससे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है. अब क्या करो, जब इससे ज्यादा सॉल्व ना हो तो RHS को सॉल्व कर दो. RHS पे आ जाओ, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x लगाओ, साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b by 2 इंटू साइन a माइनस b by 2. cot x इंटू 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8, 8 by 2, 4. 2 cos 4x into sin 5 minus 3, 2. 2 by 2, 1 into sin x. Cot को लिख दूंगा cos x by sin x into 2 cos 4x sin x. Cancel, cancel. 2 cos 4x into cos x. मैच करके आ लेते हैं इसके. हेंस प्रूफ, ये था पॉइंट.